पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। भाभी, मानस भैया किसी को कॉल कर रहे हैं, कोई बाबू राम करके। लेकिन इसे तो आशना से बात करनी चाहिए थी ना, बाबू राम कौन है? आशना मेरी बात तो सुनो यार। आशना, इसका मतलब इसने आशना का नंबर बाबू राम से सेव किया ताकि किसी को डाउट ना हो। बेबी समझो ना प्लीज, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था, सारा का सारा प्लान फ्लॉप हो जाता। I'm really sorry. ऐसी सुखी सुखी सॉरी का मैं क्या करूं मानस? अगर तुम सच में सॉरी फील करते हो तो मेक अप फॉर इट ना, मुझे एक डायमंड नेकलेस दिलवाओ, अभी तुरंत इसी वक्त। कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है ये, और मानस को समझ में नहीं आ रहा, जो जो मेरे हाथ से थप्पड़ खाई थी उसकी कीमत वसूल रही है मानस। नो सेल्फ रिस्पेक्ट। डन माय लव, डन। तुम एक काम करो, उस ज्वेलर को फोन करके बुला लो और जो भी पेमेंट है वो मैं ऑनलाइन कर दूंगा। गुड बॉय, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, जल्दी से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओ। समझो हो गया। प्रॉपर्टी का पी भी नहीं लेने दूंगी मैं, ऐसे कैसे पापा के पैसे वेस्ट करने दूं? पैसे और प्रॉपर्टी लेकर भागना चाहता है ना, इसे अब एक एक पैसे के लिए तरसाऊंगी मैं। देखती हूँ मैं भी कैसे पापा के पैसे वेस्ट करता है उस घमंडी लड़की पे। तुम क्या करने वाली हो? बस देखते जाओ। मिनी, गोलू, रोहित, मुझे तुम तीनों की हेल्प की जरूरत है। डैड, मेरा एक दोस्त आया, उससे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है। अरे अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? नो वे भैया, हम आपको तभी बाहर जाने देंगे जब आप हमें गिफ्ट दिलवाएंगे। किस खुशी में? किसका बर्थडे? किसी का बर्थडे नहीं है, पर आपकी शादी होने वाली है तो आप हमें गिफ्ट तो दोगे ही ना? ये गिफ्ट तो बनता है, शादी हो रही है, कम ऑन। दादा कुछ नहीं, बस नए वाले मोबाइल का प्रो मैक्स वर्जन दिला दो। हाँ, और मेरे लिए वो जो लेटेस्ट आलिया की मूवी आई है ना, वैसी ही ड्रेस चाहिए। हाय, क्या लगूंगी मैं। और मैंने भी सोचा कि मैं बता दूं आपको थोड़े टाइम में। क्यों छेड़ रहे हो तुम लोग मानस को? अरे भाभी, हम छेड़ नहीं रहे हैं, ये तो हक बनता है हमारा। हा? और वैसे भी इतनी जल्दी इतनी कंजूसी नहीं करने देंगे हम इन्हें। कंजूसी वो कर भी नहीं रहा है, मैं हूँ ना, तुम लोग को जो भी चाहिए मैं दिलवाऊंगा, बताओ। अरे आप बच्चो, खुल के मांग लो जो चाहिए तुमको। मन्नू के बेटे की शादी है, मना थोड़ी करेगा, सारे हाथ खोल देगा। क्यों मन्नू? दादा ये भी कोई पूछने वाली बात है? पर हमें गिफ्ट ताऊजी से नहीं चाहिए। हमें तो गिफ्ट भैया से चाहिए। वेट, भैया आप अभी भी ताऊजी के पैसे यूज करते हो? सो व्हाट, डैड है मेरे, मेरा पैसा उनका पैसा है और उनका पैसा मेरा पैसा है। पैसा तो घर से ही लगना है, चाहे इसका लगे या मेरा। फिर तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? भैया मैं ना आपको अभी दिखाती हूँ कि वो डिजाइनर लहंगा किस शोरूम पे मिलता है, चलिए हमारे साथ। अरे आपको दिखाते हैं, वो देखो फोटो देखो। मानस अभी बिजी हो गया, यही सही मौका है पापा से बात करने का। क्या हुआ मौली, कुछ कहना है तुझे मुझसे? मुझे भी आपसे शादी का एक गिफ्ट चाहिए पापा। एक क्यों, 10 मांग ले। जिंदगी में पहली बार कुछ मांग रही है मुझसे, बता क्या चाहिए तुझे? पापा, मुझे मानस के लिए अपने दिल में रिस्पेक्ट चाहिए। देखिए आप मुझे गलत मत समझिएगा, पर आज मिनी और गोलू ने बोला मानस को कि वो अपने पापा के पैसे यूज करता है, कल को सोसाइटी भी बोलेगी कि मानस अपने पापा के पैसे पे पलता है। और पापा, सच्चाई भी तो यही है ना, मानस अब तक कहीं सेटल नहीं हुआ है, उसकी खुद की कमाई जीरो है। कल को वो मेरा हस्बैंड बनेगा तो मैं भी तो ये चाहूंगी ना कि वो किसी अच्छी जगह काम करे, या एटलीस्ट इतना तो करे कि फैमिली की केयर कर सके।
हर चीज के लिए वो आप पे तो डिपेंड नहीं हो सकता ना। मानस के लिए मेरे दिल में भी तो रिस्पेक्ट आनी चाहिए ना पापा, एंड फॉर दैट उसे भी सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। बात तो बिल्कुल सही कह रही है मौली। कोई भी लड़की चाहेगी कि उसका होने वाला पति एटलीस्ट इतना तो करे। हाँ, इवन आप भी तो यही चाहेंगे ना पापा कि आपका बेटा काबिल बने, सक्सेसफुल बने, स्मार्ट बने। नहीं तो पता नहीं आशना के जैसे और कितने लोग आ जाएंगे उसे यूज करने के लिए, और मानस यूज होता रहेगा। आप इसे ट्राई कीजिए, ये आपके ऊपर बहुत जमेगा। वाओ, दिस इज सो प्रिटी। आप तो ले लीजिए ना। कितने का है ये? मैं अभी पेमेंट करवाती हूँ। जी, तुम सही कह रही हो मौली। मैं भी हमेशा से यही चाहता था कि मानस अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हाँ तो पापा, उसके लिए उसको उसकी जिम्मेदारियां फील होने दीजिए। जो कंफर्ट, ऐशो आराम आपकी वजह से उसे मिल रही है, वो उसे खुद कमाने दीजिए पापा। कल को फैमिली बनाने से पहले उस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक तो हो जाए। मौली, किस मिट्टी की बनी है तू? अपनी शादी के गिफ्ट में मानस की भलाई मांग रही है तू? क्या चाहती है तू बता मुझे, मैं वही करूंगा। मानस को मैसेज भेजा हुआ है, पेमेंट हुआ क्यों नहीं अभी तक? पहले आशना का पेमेंट कर देता हूं। कार्ड ब्लॉक हो गया? कैसे? पहले दूसरे अकाउंट से पेमेंट कर देता हूं, उसके बाद बैंक को कॉल करूंगा। एक कार्ड भी डिक्लाइन हो गया, अभी कल ही तो इसे पेमेंट किया था। यू कांट इवन इमेजिन राहुल, अभी आशना कितने गुस्से में होती। मानस अभी अगर उसके सामने होता ना, तो बिल्ली की तरह पंजा मार रही होती ऐसे। हैप्पी? वेरी हैप्पी। मैं मेरे पापा के पैसे ऐसे मानस को उड़ाने नहीं दे सकती, वो भी उस गोल्ड डिगर पे। ये तो प्लान का पहला पार्ट था, अब सेकंड पार्ट पापा एग्जीक्यूट करेंगे। विदाउट एनी नोटिस आप कार्ड ब्लॉक कैसे कर सकते हो? सर, वो अकाउंट्स मिस्टर मनोज अग्रवाल के नाम पे हैं। उन्होंने खुद अपना कार्ड ब्लॉक और अकाउंट फ्रीज कराया है। दिस इज नॉट डन डैड, दिस इज नॉट डन। मनसे आ रहा है गुस्से में, आपको सब याद है ना? हाँ हाँ, मुझे सब याद है, तू चिंता मत कर, मैं रेडी हूँ। ठीक है, आप फोन निकालिए। क्या मेरी प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट सब सीज कर लिए? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दो दिन में मेरे बेटे की शादी है। देखिए, उसके लिए पैसे लगेंगे, कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? आपसे थोड़ा सा टाइम ही तो मांग रहा हूँ मैं। देखिए, बैंक अकाउंट तो छोड़ दीजिए कम से कम प्लीज। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके सारे पैसे विद इंटरेस्ट लौटा दूंगा मैं। हेलो, क्या हुआ पापा, क्या बोला बैंक वालों ने? मौली, तू तो सब कुछ जानती है। तवातिया बिल्डर से मैंने बहुत बड़ी जमीन ली थी ना गाँव में, और बैंक से लोन ले लिया था। बिल्डर फ्रॉड निकला तो सारे पैसे डूब गए। बैंक का लोन मैं चुका नहीं पाया तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज, पैसा, बैंक अकाउंट सब सीज कर लिया है। क्या? अब मेरे पास कुछ नहीं रहा मौली। गुड जॉब पापा। मानस और आशना जिस प्रॉपर्टी को पाने के लिए आपको चीट कर रहे हैं, अब मानस को लगेगा वो रही ही नहीं।
तो टेंशन और पैनिक में अपने आप गलती करेंगे और उनका सच बाहर आ जाएगा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।